Hello everyone, welcome back to my channel. It's Arpita. I hope you all are doing well. एक ब्रेक लेने के बाद मैं आज आई हूँ आप लोगों के लिए हॉल वीडियो लेके. सो एक्चुअली बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था, सो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी एंड ना ही एडिट कर पा रही थी. बहुत ही ब्रेथलेस फील हो रहा था, बट आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल कि आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया है, इतना सारा मैसेज किया है. एंड yeah, thank you so much for all those love and support and messages, kind words. तो yes, आज एक हॉल होने वाला है which is Amazon हॉल. तो ये कलेक्टिव हॉल है जो कि मैं काफ़ी दिनों से, you know, 15 दिनों से I think कुछ करके ऑर्डर कर रही हूँ, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे सेल चल रहे थे एंड काफ़ी सारे जो भी नीडेड चीज़ें हैं उनको मैंने ऑर्डर की है, परचेज की है. सो आई थॉट वाई नॉट टू यू नो शेयर अ हॉल वीडियो, बिकॉज आप लोगों को भी हॉल देखना बहुत पसंद है. इस वीडियो में आपको कुछ एक्सपेंसिव परचेज भी देखने को मिल जाएंगे. तो आई नो मेरी वॉइस जो है बहुत ही क्रैक सुनाई दे रहा है, बट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज मेरी तबीयत अभी भी खराब है एंड आई जस्ट कांट स्टॉप मेकिंग वीडियोज, इसलिए मैं बना रही हूँ. आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस डर्मा सक्शन. मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन के ऊपर अच्छे से डाल दूंगी कि ये क्या प्रोडक्ट है. इसके साथ आपको 4 इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं, 4 हेड, जिसके हेल्प से आप अपने पिंपल, ब्लैक हेड वो सब कुछ रिमूव कर सकते हो. तो ज्यादातर मैं इसको अपने ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड को रिमूव करने के लिए यूज करती हूँ. बहुत ही हेल्पफुल प्रोडक्ट है, एट द सेम टाइम काफी अफोर्डेबल है, 300 या फिर 400 के अंदर ही आता है. सो आई थॉट क्यों ना मैं इसको एक ट्राई दूं. पहले मैं सोच रही थी कि इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन तबीयत इतना खराब हो रहा है कि मैं इस वीडियो को पेंडिंग करते जा रही हूं. एंड आज मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस वीडियो में ही आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूं. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, इट इज अ डर्मा सक्शन जो कि ली है मैंने अपने फेस के लिए एंड इट इज अ यूनिसेक्स प्रोडक्ट ऑब्वियसली. सो आप अपने हस्बैंड, आपके मम्मी, आपके पापा, हर कोई इसको यूज कर सकता है. सो देन आई हैव दिस जोबीज का ब्राइडल ब्राइटनिंग फेस मास्क. तो पहले तो मेरे पास कोलैब में इनके तरफ से एक प्रोडक्ट आया था जोबीज के एंड मुझे इतना पसंद आया था, मैंने उसको खत्म कर दिया, लाइक फेस में लगा के, नेक में लगा के, हैंड में लगा के एंड मेरे हस्बैंड के ऊपर भी मैंने अप्लाई कर लिया. सो वो बहुत जल्दी खत्म हो गया एंड आई परचेज्ड इट अगेन. सो अमेजन में ये मिल रहा है बहुत ही अच्छा प्राइस में, आई थिंक 200 या फिर 255 रुपीज का आ रहा. तो मुझे काफी यू नो इफेक्टिव लगा. इसको लगाने के बाद एक इंस्टेंट ग्लो जैसा दिखाई देता है. ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप गोरा हो जाओगे, बट यस, आपकी स्किन थोड़ा सा ग्लोई ग्लोई दिखता है. तो यस, मुझे ये काफी पसंद आया, तो मैंने इसको अगेन परचेज कर लिया सेल में. यह है जोबीज का अल्ट्रा रेडियंस फॉर ऑल स्किन टाइप्स फेस मास्क. यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि इस एंटायर वीडियो में, एंटायर हॉल में मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने इसको परचेज किया था. सो पहले तो मैंने इसको लिया था किसी को गिफ्ट करने के लिए, लेकिन मुझे ये इतना पसंद आया कि मैंने सोचा कि मैं अपने लिए भी एक खरीद लेती हूँ. मैंने अपने आप के लिए भी एक ले लिया. सो ये एक आई शेडो पैलेट है, यू कैन सी. सो दिस इज मीट योर मैच आई शेडो ट्रे. यह है कलर बोर्ड, वो भी अर्बन मैक का. मुझे ये काफ़ी पसंद आया, मतलब इट इज़ सो कलरफुल, इट इज़ सो प्रिटी एंड जब आप इसको ओपन करते हो आप फिदा हो जाओगे. जस्ट लुक एट दैट. ये है ग्रीन अंडरटोन शेड्स, उसके बाद न्यूट्रल न्यूड अंडरटोन, पीची अंडरटोन शेड्स, रेड अंडरटोन शेड्स, उसके बाद यू नो ब्लू अंडरटोन शेड्स एंड उसके बाद पर्पल अंडरटोन शेड्स. कैन यू सी, इसमें इतने सारे कलर्स है कि एक ही पैलेट इसको अगर आप परचेज कर लेते हो तो आपका पूरा काम बन जाएगा. तो ब्राइडल किट में इसको अगर पहले मैं परचेज करती ना तो मैं इसको जरूर ऐड करती ब्राइडल किट में. मैं आपको एक दो स्वॉच दिखा देती हूँ सो दैट आपको पता चले कि इसका पिगमेंटेशन कैसा है. तो पहले तो इसको लेते हैं. जस्ट लुक एट दैट. ओके, सो देन आई विल सेकेंड शेड. वाओ, थर्ड शेड. इट इज जस्ट लाइक बटर यू गाइस. मैं आपको यहां पे स्वच्छ दिखा देती हूं. ओह, आई एम डन विथ इट गाइज, जस्ट लुक एट दैट. सो नेक्स्ट परचेज पे चलते हैं. नेक्स्ट आई गॉट बोथ ऑफ दीज पाउचेस. सो पहले तो मैंने फोटो में देख के बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतने बड़े बड़े आएंगे, बट दे आर सो बिग. मैं आपको दिखा देती हूँ.
जस्ट लुक एट दैट. एंड इसमें आप अपने सारे मतलब मेकअप स्टॉप हो गया या फिर कोई भी मेडिसिन रिलेटेड स्टॉप हो गया, आप सब कुछ इसमें डाल के कैरी कर सकते हो. दे आर सो ट्रैवल फ्रेंडली, इसलिए मैंने इनको परचेज किया है, सो दैट जब भी मैं ट्रैवल करूँ इनके अंदर चीजें भर के ले सकूँ. एंड ये काफी अच्छे प्राइस में भी मुझे मिल रहे थे, आई थिंक 150 या फिर 200 रुपीज का एच मैंने ली है ये बैंगल के सेट. ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ. इस तरीके के चार के सेट में आते हैं, काफी सिंपल है, काफी एलिगेंट है. सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये डुप्लीकेट नहीं लगते हैं, काफी रियल लगते हैं. यस, कलर जो है इनका निकलने का ज्यादा चांसेस रहता है जल्दी, सो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप इसको थोड़ा सा यू नो पानी वानी में ज्यादा पहनो मत. बट अगर मैं डिजाइन की बात करूँ, अगर मैं फिनिशिंग की बात करूँ, देन दे आर सो गुड. मुझे लगा कि 160 रुपीज में ये काफी मतलब वर्थी प्रोडक्ट है, आई शुड गेट इट. लाइक मैं वीडियोज वगैरह में पहन सकती हूँ, डेली वगैरह तो मैं इतना यू नो इन सारी चीजों को नहीं पहनती हूँ, बट वीडियोज वगैरह के लिए ये काफी सुंदर भी लगेंगे, सो इसलिए मैंने इनको ले लिया. यू कैन सी चार के सेट में मेरे पास है ये डोनारा ऑर्गेनिक के व्हाइट सैंडलवुड पाउडर. सो ये दो के सेट में आते हैं एंड कुछ 300 रुपीज के आते हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल प्योर जो बोलते हैं ना सैंडलवुड पाउडर, वो ढूंढना बहुत मुश्किल है. एंड आजकल मार्केट में जो मिलते हैं उसमें कुछ ना कुछ मिलावटी होता ही होता है, बट इसमें जो है 100% प्योर आपको मिलेगा सैंडलवुड पाउडर. कुछ भी इसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट में मिला हुआ नहीं है. सो इफ यू आर अ सैंडलवुड पर्सन, आप फेस में लगाना पसंद करते हो, नेक में लगाना पसंद करते हो, देन डेफिनेटली आप इनको ट्राई आउट कर सकते हो. मुझे लगाना बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे यू नो मेनिक्योर पेडिक्योर के वक्त में जब भी घर पे करती हूँ मैं इनको अप्लाई करती हूँ, एंड आई रियली लव देम. नेक्स्ट मैंने लिए ये जस्ट हर्ब्स का हेयर मास्क. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ हेयर मास्क पर्सन. मुझे पहले आई थिंक 2-3 महीने पहले जस्ट हर्ब्स के तरफ से कोलैबोरेशन में ये सेम प्रोडक्ट आया था, एंड इसको मैंने इतना यूज़ किया उसको मैं लेके घर पे भी गई थी, एंड मुझे मेरे मम्मी को भी बहुत पसंद आया था. सो वो जो डब्बा था वो मैं मम्मी को दे के चली आई, एंड यहाँ पे जब मैं आई, आई गॉट अनदर वन. मुझे ये काफ़ी पसंद है. आंवला है, भृंगराज है, शंखपुष्प भी है, जो कि हेयर के लिए, स्काल्प के लिए, रूट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है. हेयर फॉल बहुत ही कम होता है. मैंने ट्रीटमेंट कराई है, सो मैं बहुत ही सोच समझ के इंग्रेडिएंट के ऊपर ध्यान दे के ही प्रोडक्ट परचेज करती हूँ, एंड आई रियली लव दिस प्रोडक्ट. इसको लगाने के बाद मेरे हेयर बहुत ही अच्छा फील करते हैं, लाइक आई रियली लव द फीलिंग. इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा आता है. ओके, सो होम ऑर्गेनाइजिंग के लिए मैंने 1-2-3 चीजें ली थी, जो कि मैं आप लोगों को फटाफट से दिखा लूंगी, एंड उसके बाद चलेंगे लास्ट प्रोडक्ट पे जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि मैं घर के लिए क्या ली हूँ. पहले आई गॉट दीज प्लेट्स, दीज आर स्टेटमेंट प्लेट्स, एंड इसका लुक भी जितना अच्छा है जब आप इसमें खाना सर्व करते हो उतना ही सुंदर लगता है. ये ईच प्लेट 149 रुपीज आता है, जो कि मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है, बट अगर आप क्वालिटी देखो एंड इसका लुक देखो, देन यू विल फॉल इन लव विद द प्रोडक्ट. सो इसलिए जब मैंने इसको मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी एक्चुअली, एंड मुझे हर जगह ये इच 200-300 रुपीज का मिल रहा था. सो एमेजोन में जब मुझे ये 149 पे मिला, तो मैंने फटाफट से 2-3 ऑर्डर कर. सो नेक्स्ट आई गॉट दिस ग्लास जार्स फॉर माई फ्रीज. आई नो फ्रीज के लिए सारे चीजें एसेंशियल नहीं है, बट आई वॉन्ट अ ऑर्गेनाइज फ्रीज. चाहूंगी इसका मैंने 8 सेट लिया था, जो कि मैं ऑलरेडी यूज करने लग गई हूँ, लेकिन ये वाला एक बच गया था, सो आई थॉट कि मैं इसको वीडियो में दिखाने के लिए यूज कर लूंगी. सो इसका जो लीड है ये गोल्डन में भी आता है, सिल्वर में भी आता है. आई यूज देम फॉर माय फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन, गिव अ एस्थेटिक लुक टू माय फ्रिज. आई गॉट सच ग्लास जार्स एंड मुझे ये काफी पसंद आए. कुछ 400 या फिर 500 रुपीज के आते हैं. नाउ वी आर डन. मैंने सारे के सारे चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर ली है, जो कि मैंने लिया था अमेजोन के सेल से. एंड उसके साथ साथ जो कि ह्यूज परचेज हुआ था वो है ये वन प्लस का फ़ोन. यस, आप लोगों को पता होगा मैंने कुछ आई थिंक 1-1.5 महीने ही पहले आप लोगों को एक ब्लॉग में बताया था दैट माई हस्बैंड इज गोइंग टू बाय अ फोन. सो वी आर नॉट श्योर कि इस फोन को कौन यूज़ करेगा, बिकॉज वो मुझे बोल रहे कि तू यूज़ कर ले, मैं बोल रही हूँ नहीं आप यूज़ कर लो. सो वी जस्ट बॉट इट बिकॉज वन प्लस हमें काफ़ी पसंद है. मैं पहले भी वन प्लस यूज कर चुकी हूँ 2 साल, एंड मुझे इसका यू नो ये मुझे काफी हैंडी लगता है. एट द सेम टाइम ये अफोर्डेबल प्राइस, मतलब अफोर्डेबल प्राइस इन द सेंस ये 40,000 का आता है, विच इज आई थिंक ओके फॉर अ स्मार्टफोन जो कि आपको 128 GB देता है. एट द सेम टाइम 8 GB रैम देता है, आई थिंक इट इज ग्रेट. सो अगर आप यू नो आईफोन नहीं परचेज कर सकते हो, यू कैन डेफिनेटली गो विद द स्मार्टर एंड स्मॉलर वर्जन विच इज दिस वन. इट इज वन प्लस का 9R. यस, ये 39,000 समथिंग का आता है, लेकिन ये मुझे सेल
सेल में काफी अच्छा प्राइस में मिल गया था। एंड मेरे पास जो वन प्लस का पुराना फोन था, आप लोगों ने देखा होगा, उसको मैं काफी यूज कर चुकी थी, उसको मैंने एक्सचेंज भी किया, तो वो मुझे काफी अच्छा खासा प्राइस में भी मिल गया। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं वन प्लस का प्रीवियस फोन यूज कर रही थी, विच इज वन प्लस 7 एंड दिस इज वन प्लस 9R, दे आर क्वाइट सिमिलर। अगर आप उनको पकड़ोगे ना तो वेट वाइज आपको बहुत ही सिमिलर लगते हैं, लेकिन इंटरनली दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। कैमरा वाइज भी दे आर डिफरेंट, बिकॉज उसमें 2 कैमरा था, इसमें 4 कैमरा है। एंड उसके साथ साथ इसमें आपको बहुत सारे अलग फीचर्स मिल जाते हैं जो कि वन प्लस 7 में नहीं था। तो ऑब्वियसली इट इज अ 5G फोन जिसमें आपको बहुत ही अच्छा खासा डील मिल जाता है, बैंक डील मिल जाता है, उसके ऊपर आप इसमें अपना ओल्ड फोन को एक्सचेंज करा सकते हो, देन आपको वारंटी भी अच्छा खासा मिल जाता है। होप कि वीडियो जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरी वॉइस अगर आपको अजीब सा सुनाई दे रहा है, देन आई एम सो सॉरी फॉर दैट, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जल्दी से ठीक हो पाऊं, हील कर पाऊं। मैं कोई भी मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं ले रही हूं, बिकॉज एम्स की वजह से मैं ब्रेस्टफीड करा रही हूं, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं खुद से ही हील कर पाऊं। सो That's that. मैं बहुत जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में विथ अ न्यू कंटेंट। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको किस तरह की वीडियो देखना पसंद है, मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा लेके आऊँ आप लोगों के लिए। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, विच इज कम्प्लीटली फ्री। अभी तक आप लोगों ने मेरे सोशल मीडिया पे जस्ट लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है, देन जस्ट गो एंड फॉलो मी देयर, वहां पे मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहती हूँ। मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में विथ अ न्यू कंटेंट। टिल देन बाय।